अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि भारत के 29 राज्यों की राजधानी आज हम याद करते हैं तो आगे आने वाले 2-3 दिन बाद उसे भूल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद से आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रिक, लंबे समय तक याद करने के लिए और बहुत ही आसानी से याद करने के लिए। ये ट्रिक बहुत ही काम आती है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा देना, नई वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी ट्रिक बताऊंगा वो इमेजिनेशन के ऊपर है, आपकी कल्पना के ऊपर है। दोस्तों होता यह है कि हम कोई भी मूवी या फिर शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो हमें याद होता है क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरी होती है। इसी तरीके से अगर हम कुछ जीके के क्वेश्चंस याद करते हैं उनमें स्टोरी नहीं होती है, उनमें याद रखने की ट्रिक होती है, तो अगर हम उन्हें स्टोरी में कन्वर्ट करके याद करें तो हमारे लिए बेनिफिट रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने यही कोशिश किया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू से एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बारे में। इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है कि अरुण का घर ईंटों से बना है। अरुण से आपको अरुणाचल प्रदेश याद आएगा और ईंटों से आपको ईटानगर याद आएगा। दोस्तों इमेजिन करके देखिए कि अरुणाचल प्रदेश आपके सामने कभी भी आ जाए तो क्या आपको ये सेंटेंस याद आएगा, अरुण का घर ईंटों से बना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी अरुण शामिल है, इसीलिए मैं ये वाक्य बना रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से याद आएगा। तो याद रखना है अरुण का घर ईंटों से बना है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और इसे याद रखने की ट्रिक है, हिमा शिमला मिर्च की सब्जी अच्छी बनाती है। तो हिमा से आपको हिमाचल प्रदेश याद आएगा और शिमला मिर्च से आपको शिमला आएगा, मतलब एक वाक्य आपको ऑटोमेटिक याद करवा रहा है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, मणिपुर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले जो मनी निकल के आता है और इम्फाल में देखेंगे तो पहले आईएमपी निकल के आता है, और आईएमपी का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, तो मनी तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, और इसे आप इसे याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद है। इसे याद रखने की ट्रिक हैदर मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी है तो एक बात याद रखना, हैदर में हीरो अंधा था लेकिन तेल निकालने का काम करता था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था, बस ये मेरी बनाई हुई लाइन है, याद रखना बस। तो यहाँ पे अंधा से आपको आंध्र प्रदेश याद आएगा, हैदराबाद आपको ऑटोमेटिकली हैदर से याद आएगा, इसी तरीके से तेल से आपको तेलंगाना याद आएगा और हैदर से आपको हैदराबाद याद आएगा। तो दोस्तों आज से आप मेरे हिसाब से कभी भी आंध्र प्रदेश को देखते हो तो आपको हैदर तो ऑटोमेटिकली याद आएगा, क्योंकि अंधा तो हैदर था लेकिन तेल निकालता था, मतलब आपको ऑटोमेटिक सभी याद आ जाएंगे, बस एक बार देखते रहिए। दोस्तों पॉइंट वाली बात तो ये निकल के आती है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होने वाली है लेकिन अभी तक हुई नहीं है, और जब तक नहीं हुई है तब तक हैदराबाद सही है, और जब हो जाएगी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक कमेंट करके बता दूंगा, तब तक आप इसे हैदराबाद को ले सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। अब इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, बिहारी आदमी को पटाना मुश्किल है। जी हाँ, बिहारी आदमी को पटाना मुश्किल है, बिहारी से बिहार याद आएगा और पटाना से पटना याद आएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसे याद रखने की हमारे पास एक ट्रिक है, वो ट्रिक है हरियाणवी पहलवान चड्डी पहनते हैं, हरियाणवी पहलवान चड्डी पहनते हैं, हरियाणवी से हरियाणा याद आएगा और चंडी से चंडीगढ़ याद आएगा। बिल्कुल जी हाँ, बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे हिसाब से। आप मेरे हिसाब से कभी आपके सामने हरियाणा आएगा तो आपको पहलवान की चड्डी जरूर याद आएगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कुमार है, और वैसे भुवनेश्वर कुमार से मुझे भारत का प्लेयर याद आ जाता है जिसके पास ऑडी कार है, भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, भुवनेश्वर के पास ऑडी कार है, तो भुवनेश्वर से आपको ऑटोमेटिकली तो भुवनेश्वर याद आएगा ही, और ऑडी से आपको ओडिशा याद आएगा, तो सिंपल सी बात है, आपको ये दोनों भी याद आ जाएंगे आपस में, और आपके सामने कभी भी ऑडी आया तो आप ऑटोमेटिकली भुवनेश्वर को याद करोगे क्योंकि ऑडी तो भुवनेश्वर कुमार के पास है ना भाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, मध्य में भोपा बैठता है। मध्य से आपको मध्य प्रदेश याद आएगा और भोपा से आपको भोपाल याद आएगा। मेगा एक लड़की का नाम है और वो बहुत ही लंबी है, अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो सी लॉन्ग निकल के आता है, तो मेगा से आपको मेघालय याद आएगा, और मेगा जब आपको ऑटोमेटिक याद आएगा तो शिलोंग भी याद आएगा क्योंकि वो लंबी थी, तो याद है ना आपको मेघालय की राजधानी शिलोंग है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसे याद रखने की ट्रिक है, राजा जी की जय हो। राजा जी की जय हो से आप में राजा से आपको राजस्थान याद आएगा और जय से आपको जयपुर याद आएगा, और राज करने में जयकारे भी लगाते हैं, और ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, गंगा के पास सिक्के बहुत है। गंगा से आपको गंगटोक याद आएगा और सिक्के से आपको सिक्किम याद आएगा, क्योंकि अगर आपके सामने कभी भी सिक्किम आए तो आपको सिक्किम से सिक्का याद आएगा और सिक्के से आपको वो गंगा याद आएगी और गंगा से आपको गंगटोक याद आएगा, तो एक मूवी क्रिएट कर लो अपने दिमाग में।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, ट्राई करता अगर ताला नहीं होता। ट्राई को अगर आप हिंदी में पढ़ो तो ये त्रि लगता है, और त्रि से आपको त्रिपुरा याद आएगा, और अगर ताला से आपको याद रखना है अगरतला। तो अगर आपके सामने कभी भी त्रिपुरा आता तो आपको ट्राई जरूर याद आएगा, और आप कहेंगे ट्राई करता अगर ताला नहीं, ओहो अगर ताला से आपको अगरतला याद आ जाएगा, मतलब आपके मूवी बन रही है दिमाग में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको मुझे राय देनी है तो 36 राय दीजिए, एक आधी नहीं चलेगी, 36 राय देनी पड़ेगी। 36 से छत्तीसगढ़ और राय से रायपुर चलेगा। असम की राजधानी दिसपुर है, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है 10 एक सम संख्या है। यहाँ पे सम से आपको ऑटोमेटिक असम भी याद आएगा, और 10 से आपको दिसपुर याद आएगा। तो अगर आपके सामने कभी भी एक वर्ड आ जाता है जैसे असम, तो आपको सम आएगा, और सम 10 संख्या थी, तो मतलब आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, और पणजी गोवा जाना चाहते हैं, ये हमारी ट्रिक है। तो पणजी से आपको पणजी तो याद आएगा ही, और गोवा से आपको गोवा याद आएगा ही, तो सिंपल सी बात है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसेशन स्टार्ट होता है ग से, तो दोनों को हम ग से याद रख सकते हैं, मतलब ग से ग, ग से गांधीनगर भी और ग से गुजरात भी। केरल की राजधानी है थिरुवनंतपुरम, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है कि केला खाने का मजा अनंत है। केला से आपको केरल याद आएगा, और अनंत से आपको थिरुवनंतपुरम याद आएगा, तो ये अमेजिंग ट्रिक है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है म से म, मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन म से स्टार्ट हो रहा है ना, तो म से म मतलब महाराष्ट्र और मुंबई। मिजोरम की राजधानी आइजोल, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है कि जो जाल में फंसा तो उस पर जुर्म तो होगा ही। अब आप ध्यान से देखना कि जाल से आपको आइजाल याद आएगा, और जुर्म से आपको मिजोरम याद आएगा। मिजोरम मतलब एक प्रोनाउंसिएशन ऐड हो रहा है ना, उच्चारण तो मिल रहा है ना कुछ, तो इसी उच्चारण से आप याद रख पाएंगे। अब मेरे हिसाब से आपके सामने कभी भी आइजोल आ गया तो आप जाल, जाल मतलब जुर्म, अच्छा जुर्म करे, आपको एक पिक्चर बन रही है मेरे हिसाब से आपके दिमाग के अंदर। सेंटेंसेस को पढ़ते रहिएगा साथ साथ में। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और नागालैंड में कोई ना जाएगा, इसकी हमें याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है कि नागालैंड में कोई नहीं जाएगा। तो नागालैंड से आपको नागालैंड आ ही रहा है, और कोई ना से आपको कोहिमा याद आएगा, क्योंकि आपको अगर आपके सामने कभी भी नागालैंड आए तो याद रखना कोई ना जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और चूंकि इसे याद रखने की ट्रिक है तमंचे पे डिस्को, यहाँ पे तम से निकल के आता है तमिलनाडु और चे से निकल के आता है चेन्नई, इसे याद रखने की अच्छी ट्रिक है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है उत्तर दे, उत्तर से आपको उत्तराखंड याद आएगा और दे से देहरादून याद आएगा। हम नहीं कहते हैं मेरे सवाल का उत्तर दे, तो उत्तर दे से उत्तराखंड टू देहरादून। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है पश्चिम से कॉल आया, पश्चिम से आपको पश्चिम बंगाल याद आएगा, और कॉल से आपको कोलकाता याद आएगा। झारखंड की राजधानी है रांची, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है जार चाची, जार चाची से मतलब आपको याद रखना है, जार का मतलब झारखंड, और चाची से आपको रांची ऑटोमेटिकली याद आएगा, क्योंकि अगर अगर आपके सामने रांची आ जाए तो आपको याद आ जाएगा चाची, जार चाची मतलब झारखंड। तो ये दोनों आपस में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं केवल केवल स्टेट या फिर कैपिटल याद करूंगा, दोनों में से आप कोई भी आपको सामने दे दिया जाए तो आप ऑटोमेटिक बता पाएंगे। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है बैंक में नाटक, बैंक से आपको ध्यान रखना है बेंगलोर याद आएगा, और नाटक से आपको कर्नाटक याद आएगा, क्योंकि ये बात तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी कि बैंक में नाटक नहीं चलता है, क्योंकि कर्नाटक टू बेंगलोर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और वैसे चंडीगढ़ लिखूंगा नहीं, आप कहेंगे क्यों नहीं लिखेंगे, अरे भाई मैंने ये पहले बनाया था मैं भूल गया, अब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब पता चल रहा है। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, पंच याद रखना है आपको, पंच, प से पंजाब और च से चंडीगढ़ ऑटोमेटिक याद आएगा, पंच है भाई हम गांव के पंच। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और इसे याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है उत्तर में लख चलता है, हम तुक्का भी लगाते हैं तो लख चलता है, और उत्तर में तो लख चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी याद रखो, उत्तर दिशा भी याद रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लख से लखनऊ और उत्तर से उत्तर प्रदेश तो आपको याद आ ही जाएंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और आज के बाद में आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कश्मीर नगर, हम कहाँ जा रहे हैं कश्मीर नगर जा रहे हैं, कश्मीर से जम्मू कश्मीर और नगर से श्रीनगर ऑटोमेटिक याद आएंगे।
मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आपको जो यहाँ पे ट्रिक बताई है हर एक स्टेट और कैपिटल के ऊपर, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये ट्रिक जो है आपको एक इमेजिन करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है, और उससे आपको लंबे समय तक याद रख पाने में भी मदद करती है। जैसे आप कोई भी मूवी लंबे समय तक याद रख पाते हैं, इसी तरीके से ये भी याद रख पाएंगे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाते रहिए और पढ़ते रहिए।